आज है ये लड़की का बर्थडे। जा बर्थडे स्पेशल ट्रीट एमू हेड। स्वागत है। तो आज है ये लड़की का बर्थडे। आज चीका हो गई है 6 साल की। आज है सितंबर 14th और हमने सोचा कि उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। बर्थडे यानी ऑब्वियसली उसको स्विमिंग लेके ही जाना था। हमें एक बहुत अच्छी जगह मिली, हमारे घर के पास में ही है, पुणे यानी बानेर से 1 घंटा दूर ही है ये जगह। तो आज हम लोग वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और कल वापस जाएंगे। और वो जगह कैसी है, क्या है और वहाँ चीका के लिए क्या क्या स्पेशल है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता ही चलेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए कि चीका क्या क्या मजे करने वाली है आज बर्थडे के दिन। निकल पड़े हम लोग सुबह लगभग 10-10:30 बजे हम लोग निकले और अभी 11:30-12 तक पहुँच जाएंगे। और ये देखो लड़की कैसे बैठी है, पीछे अपना सामान है। चीका एकदम कंफर्टेबल है, लोनावला में जगह है। तो अभी चलते हैं और जैसे जैसे जाएंगे पहुंचेंगे और मज़े करेंगे आपको दिखाते जाएंगे। और ये देखिए जैसे ही लोनावला करीब आ गया हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पे घाट में हमेशा बारिश मिलती ही है। और लोनावला और बारिश में ड्राइव, मतलब बारिश में लोनावला की ड्राइव, ये तो मतलब एक अलग ही मज़ा है। कुछ बहुत ही अलग फीलिंग आती है लोनावला आके। बस ड्राइव करके जाओ और ये माहौल देखो, उसी में बहुत अच्छा लगता है। सुबह हालांकि पुणे में जहाँ मतलब जब भी हम लोग घर से निकले तभी बहुत गर्म था, वहाँ तो बहुत धूप भी है, तो हमें लगा कि आज गर्मी में दिन जाने वाला है। लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे से और लगभग अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। ज़्यादा दूर नहीं जाना था बिकॉज हमने लास्ट मिनट प्लान बनाया, ये एकदम क्विक प्लान बनाया। कल रात को ही हमने डिसाइड किया और फटाफट बुकिंग किया और अभी हम लोग आए हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाएंगे और लंबी छुट्टी ले भी नहीं सकते थे हम, तो इसीलिए चीका के सेलिब्रेशन के लिए। बिकॉज लास्ट ईयर हम गए थे गोवा, चीका का 5th बर्थडे हमने वहाँ पे मनाया था। और वो अगर आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी ज़रूर देखिए कि हमने बहुत सारे मज़े किए थे बीच पे। और गोवा में हमने पप केक्स वगैरह ऑर्डर किए थे, बहुत मज़ा आया था। इस बार हम जा रहे हैं लोनावला। अभी जाने से पहले सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो हम आए यहाँ पे मैप्रो में, यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं। तभी हम आए थे चीका के दादा दादी और नाना नानी के साथ और अभी हमने सोचा कि यहाँ पे एक क्विक स्नैक ले लेते हैं। तो चीका ऐश को थोड़ा अभी यहाँ पे वॉक करवा रहे हैं और फिर हम लोग चलते हैं अंदर।
तो मस्त पेट भर के खाना खा लिया यहाँ पे, और अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम पास किया, गार्डन वार्डन में चिका ऐश को घुमाया, और अभी निकल चलते हैं जहाँ पे हम आज रात रहने वाले हैं। मैप्रो गार्डन से बस 4 मिनट दूर दिखा रहा था, तो बस अब पहुंच ही जाएंगे हम लोग। एक्चुअली ये एक बंगलो सोसाइटी है, और बंगलो सोसाइटी के अंदर जो हम लोग ने विला बुक किया है वो नंबर 36 है, तो अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने गुरखा पार्क कर दिए, और विजेंद्र गया है चिका और ऐश को थोड़ा यहाँ पे घुमाने के लिए। ये है पूल यहाँ पे, जो कि है पेट फ्रेंडली, और यहाँ पे मस्त सिटिंग एरिया है, और ये देखो वी आर पेट फ्रेंडली इन ऑल वेज। तो ये देख के ही हमने ये जगह बुक की थी। अभी हमने बस चेक इन कर लिया है, और ये अंदर से ऐसे यहाँ पे टेलीविज़न वगैरह सब कुछ है। चीका तो हो रही है पागल, क्यों आपको पता है यहाँ जाने के लिए। तो अभी हम बस देख लेते हैं फॉर्मेलिटीज़। ये है मनोहर जी यहाँ पे मैनेजर, और वो हमको बता रहे हैं कि क्या क्या है। हमने एक्चुअली ऊपर वाला रूम ले लिया है, ऊपर 2 रूम्स है और ये रूम है, तो हमने 1 बेडरूम बुक किया है, तो इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर का बुक किया। और यहाँ पे अच्छा है चिका को ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ा मज़ा आएगा। आप यही रहते हैं? मैं साइड में रहते हैं, बाहर ही। ठीक है ठीक है। मैं आप मराठी? हाँ मराठी तो बोला। वो गाड़ी पे लिखा है ना नाम, हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ प्लीज प्लीज कर दीजिए। और खाना अगर रात को कैसे, मतलब हम लोग को स्विगी जोमेटो ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को कॉल करेंगे, आपको जो चाहिए आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं लेके आ जाएंगे। स्विगी जोमेटो आ जाता है तो ठीक है, हम लोग कुछ मंगा लेंगे। तो फुल्ली इक्विप्ड किचन मिलता है हम लोग को, फ्रिज वगैरह सब कुछ है, और इसको अभी बांध के रखा है बिकॉज ये पूल में जाने के लिए हो रही है बेताब। बद्दी गर्ल। चिका गो, चिका गो, यस चिकुड़ी देख रहे चिंगुड़ा चीका। और ये जा रहे हैं डैडी चीका के साथ स्विमिंग करने। तो इन्होंने टॉवल्स वगैरह भी दिए। बस एक ही चीज हमें थोड़ी सी वो लगी कि थोड़ा डीप है, तो डॉग्स के हिसाब से रैंप नहीं है, तो इनको चढ़ने उतरने के लिए थोड़ा मुश्किल है ना। मतलब चीका तो अभी आ रही है, बट एकदम मतलब हाँ जा, जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आने के लिए चीका को थोड़ा सा इशू लग रहा है। आज तो अंदर नहीं जाएगी, चीका को फेंकते हैं बॉल। ठंडा है क्या पानी? हाँ आज चूल्हा है चार, आज तो पता नहीं क्या क्या सूंघने में लगी है। ये लगा है स्टार फ्रूट, तो अच्छी जगह है, शांत है, आजू बाजू में भी एकदम शांत है। मेन तो यही USP है, और डॉग के लिए भी अलाउड है, ये तो सबसे बेस्ट है। तो ये देखो अभी निकलने में थोड़ा सा इसको इशू है, बट अदरवाइज आई थिंक मस्त है। हाँ मैनेजेबल है। आ रहा है मज़ा बर्थडे गर्ल को।
तो इस बार हमने सोचा कि अलग कुछ करते हैं, मतलब पूल ले लेते हैं, बिकॉज हमेशा हम ऐसे वाटर बॉडी खोजते रहते हैं कि लेक साइड या रिवर साइड या ऐसे जाते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि डॉग पूल एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी जब हमने देखा, और अभी हम एंजॉय करते हैं यहाँ पे, थोड़ा पूल में मस्ती करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे कि क्या क्या करने वाले हैं चीका के बर्थडे में। ये हो रही है मस्ती बाहर फुल स्विमिंग पूल में। तो मैं हमारा वाला रूम दिखा देती हूँ आपको अंदर से कैसा है। तो आप पूरा बंगलो भी बुक कर सकते हो, अगर आप बड़ी फैमिली हो, फ्रेंड्स फैमिली सब लोग आ रहे हो तो आप पूरा बंगला बुक कर सकते हो। तो तीन रूम आपको मिलते हैं, ये एक रूम है और हमने ये वाला रूम चूज़ किया, उन्होंने हमें चॉइस दिया था। तो एसी है, पंखा दिया गया है और बेड भी अच्छा है। और ये है वॉशरूम, ये कबर्ड दिया गया है कुछ सामान वामान रखने के लिए, छोटी सी बालकनी, तो आप यहाँ पे भी मस्त चेयर लगा के बैठ सकते हो। और ये देखो नीचे ये तीनों मस्ती कर रहे हैं। आजू बाजू में ऐसे कुछ करने को है नहीं, रेस्टोरेंट्स और लोनावला तो मतलब एकदम ही नज़दीक है यहाँ से, मेन मार्केट वगैरह, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। शान जगह है, मस्त चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे थोड़े पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं। आज बस चिल करेंगे, आराम करेंगे। इंटेलिजेंट है देखो, हमने उसको सिखाया कि यहाँ से आना है, बिकॉज यहाँ से आना उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो परफेक्ट सीख गई है लड़की। अभी टेंशन नहीं है, अपने आप से जा रही है, अपने आप से आ रही है। अभी देखो कैसे आती है। और ये हो रहा है मज़े डैडी के, फूल बियर डॉग्स, व्हाट अ परफेक्ट हॉलीडे, अपना भी और चिट्टू का भी। बर्थडे है चिट्टू का, पार्टी हो रही है हमारी, है ना चिट्टू। ये देखो कैसे परफेक्ट उस पर पैर रखती है और अपने आप से आ रही है बराबर, इंटेलिजेंट लड़की। और ये मस्त स्विम बेब, समुंदर में नहा के और भी। मस्त स्विमिंग विमिंग करने के बाद अभी इनको थोड़ा
ड्राई किया, हम लोग भी थोड़ा फ्रेशन अप हुए और अभी इनको मिल रहा है स्पेशल बर्थडे ट्रीट एश बुक आए जो कि है एमू हेड। तो ये खा रही है, चीका का खा के ख़त्म भी हो गया, अभी सब बचा कुचा खा रही है। और ऐश तो देखो अभी शुरुआत की मैडम ने, मज़ा आ रहा है। तो ये एक अच्छा ट्रीट हो गया इनके लिए, बीच में अभी भूख लग गई होगी तो हमने सोचा कि आज यही दे देते हैं बर्थडे स्पेशल ट्रीट एमू हेड। मैं थोड़ी सी भूख लगी अभी बहुत सारा स्विमिंग करने के बाद। चीका और ऐश ने तो ट्रीट खा लिया और हमारा ट्रीट खाने का टाइम आ गया अभी, है कि नहीं। तो हम लोग सोचे कि एक पेट फ्रेंडली कैफ़े है यहाँ पे लोनावला में, वहाँ चलते हैं। हम लोग रेडी हो गए और अभी चलते हैं एंग्लो इंडियन कैफ़े। ये टोटली इंस्टाग्रामेबल वर्दी कैफ़े है। ये देखो यहाँ बैठे चिपक के कि कुछ ऑर्डर होगा और कुछ गिरेगा और कुछ इनको मिलेगा। इसका डेकोर देखो इतना खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पहले भी एक बार आ चुके हैं, यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक लास्ट टाइम हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। ये घूम रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ है। मेनू तो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा बट जनरली मतलब सिजलर्स, पास्ता, सैंडविचेस, कॉफ़ी, टी सब कुछ मिलता है यहाँ पे। इनके दो सेक्शंस है, एक ये सेक्शन है और एक वहाँ पे है। तो वो वाला पेट फ्रेंडली नहीं है तो इसलिए पेट्स को लेके जो आते हैं उनको वो लोग यहाँ बिठाते हैं। और ये कुछ नया लग रहा है, पिक्योर ग्रीन्स। ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तभी नहीं थे। तो यू यूज़ दिस इन द सैलड्स? ओके ऐश, इकड़े इकड़े ये इकड़े। हम थोड़ा सा देते हैं, बसा खा ली बसा। चिटू गॉड ब्लेस। तो दिस वॉज सच अ स्वीट जेस्चर। हम लोग यहाँ बैठे थे और अचानक हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक लगा और चीका के लिए इन्होंने स्पेशल केक दिया। कितना अच्छा, मतलब ये छोटा सा जेस्चर देखो, हैट्स ऑफ एंड लो इंडियन, वी आर रियली रियली हैप्पी। एंड अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे आए, बहुत स्पेशल फील करवाया हम सबको, है ना। और केक किसने खाया केक? क्या अमेजिंग सिजलर था और स्पेशली सॉस इतना चीज़ी और अमेजिंग था। और आप मतलब प्लेट देख के ही पता लगा सकते हो कि हम लोग ने
हम लोग को कितना अच्छा लगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमने प्लेट साफ़ कर दिए यहाँ पे, और पिना कोलाडा भी अच्छा था। हम लोग एक चीज़ केक पार्सल करेंगे, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे इस एरिया में हो तो ज़रूर एंग्लो इंडियन आइए, नहीं तो स्पेशली आइए, बिकॉज फूड अमेजिंग, एम्बियंस अमेजिंग, सर्विस अमेजिंग, और इनका जो मतलब स्पेशल फील करवाने का तरीका था आज, तो हमने वो भी देख लिया। बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पे, चीटू को भी मज़ा आया, बर्थडे गर्ल एंजॉयड टू द फुलेस्ट, और चीटू की बहन को भी मज़ा आया है ना, मज़ा आया ना। ये देखो लड़की थकी नहीं रही है, रात के 8 बज चुके हैं अभी। हाँ, स्विमिंग पूल छोड़ना है कि नहीं चिट्टू? और डैडी कह रहे हैं जितना इसको स्विम करना है स्विम करने दो। ये लेकिन बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, कैसे सीख गई ये रैम से आना, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आज क्या करिए उधर आश, आश कुछ मार्किंग कर, पॉटी कर रही है और ये स्विमिंग कर रही है ना चिका पप्पी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। हमारा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, मेन हाईलाइट तो यही है, पूल है, और हमारे लिए मेन हाईलाइट था कि ये पूल डॉग फ्रेंडली है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से हमने ये जगह बुक की थी, बिकॉज चीका का बर्थडे था, तो चीका को जितना स्विमिंग करो, आपने देखा होगा वो रात को भी स्विम कर रही थी, सुबह भी उसने काफ़ी स्विम कर लिया। जगह वैसे बहुत अच्छी है, एकदम चिल शांत है, कोई ऐसे आवाज़ नहीं है आसपास, पेट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कहीं भी जाए कुछ भी करे, तो पेट्स के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है। आसपास भी कोई डॉग नहीं है, मतलब हम लोग को कंपाउंड में भी कोई स्ट्रीट डॉग दिखा नहीं, तो इस हिसाब से भी काफ़ी सेफ है, और ये जगह पूरी फेंस्ड है, तो आप मतलब बेफिक्र होके यहाँ पे पेट्स को लेके आ सकते हैं। तो टैरिफ की जो मैं बात करूँ, हमने दो लोग और दो डॉग्स के लिए पे किया 6160, तो वैसे ये 3 BHK बंगलो है, तो हमने 1 bedroom मतलब 1 BHK का ही बुक किया था, बट अगर आप ज़्यादा लोग हो और आपको 2 bedroom चाहिए, 3 bedroom चाहिए, आप उस हिसाब से उनको बता सकते हो। ये जो टैरिफ है ये वीकडे का है, वीकेंड के उनके टैरिफ्स अलग होते हैं, और सीज़न वाइज भी शायद अलग हो सकते हैं, तो आप ओनर से डायरेक्टली कंसल्ट कीजिए, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और जोश आएगा कि अलग अलग ऐसी जगहों पे जाए और आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखाए, पेट फ्रेंडली ऑफ कोर्स, बिकॉज़ हम ट्रैवल करते हैं चीका ऐश के साथ, क्योंकि ये है चैनल चिकैश एडवेंचर्स। तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे पेट पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अस अ लाइक।